तो मेरा नमस्कार एम के एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है आइए बच्चों आज हम अभ्यास पुस्तिका अपेकार करते हैं गणित विषय की अभ्यास पुस्तिका कक्षा तीसरी चौंती और पाँचवीं के लिए एक ही अभ्यास पुस्तिका में हम कक्षा तीसरी चौंती और पाँचवीं को कार्य करेंगे आओ करें और सीखें गणित विषय की अभ्यास पुस्तिका हमें विद्यालय से प्राप्त हुई है पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेगा अच्छा आज हम इकतीस नंबर के अभ्यास से चौंतीस नंबर के अभ्यास तक कार्य करेंगे पेज नंबर इकतीस से चौंतीस तक कार्य करते तो हैं गतिविधि का नाम है बताओ मैं कैसे बड़ा या छोटा हूँ बड़ी संख्या पर घेरा लगाना है तो यहाँ पे सत्रह तिरालीस अड़तीस दी गई है और उनचास तो इनमें सबसे बड़ी संख्या उनचास है इसी प्रकार यहाँ पे अड़तीस हो जाएगा यहाँ पे सत्ताईस यहाँ पे हो जाएगा पैंतालीस यहाँ पे भी पैंतालीस यहाँ पे इकतालीस यहाँ पे सैंतालीस यहाँ पे पैंतालीस यहाँ पे उनचालीस यहाँ पे चौंतीस और यहाँ पे छियालीस हो जाएगा इसी प्रकार बच्चों हम छोटी संख्या पर अब घेरा लगाएंगे चार संख्या में से जो सबसे छोटी संख्या होगी हमें उस पर घेरा लगाना है तो सब पहले, सबसे पहले उन्नीस सबसे छोटी संख्या है फिर तीन सबसे छोटी संख्या है फिर यहाँ पे चालीस सबसे छोटी संख्या है यहाँ पे पैंतालीस यहाँ पे अठारह यहाँ पे चौदह यहाँ पे बारह यहाँ पे तेरह यहाँ पे उन्नीस यहाँ पे बारह और यहाँ पे उन्नीस सबसे छोटी संख्या दी गई है तो इस तरह आप बड़ी आसानी से कार्य कर सकते हैं अब हम चलते हैं बच्चों आओ करें और सीखें बत्तीस नंबर के वर्कशीट पे कार्य करते हैं बताओ मैं कैसे बड़ा या छोटा हूँ छोटी बड़ी संख्या की पहचान हमें यहाँ पे करना है तो पाँच छः सात दिया गया है तो सबसे बड़ा यहाँ पे सात है फिर छः है और यहाँ पाँच है इसी प्रकार बारह तेरह ग्यारह दिया गया था सबसे बड़ा तेरह फिर बारह और फिर ग्यारह फिर यहाँ पे सबसे बड़ा चौबीस फिर तेईस और फिर बाईस फिर यहाँ पे इक्कीस बड़ा है फिर उससे इक्कीस से छोटा बीस और बीस से छोटा उन्नीस फिर यहाँ पे आठ बड़ा है आठ से छोटा पाँच और पाँच से छोटा दो फिर यहाँ पे सत्रह सत्रह से छोटा तेरह और तेरह से छोटा ग्यारह फिर यहाँ पे छब्बीस फिर छब्बीस से छोटा तेईस और तेईस से छोटा इक्कीस यहाँ पे पंद्रह पंद्रह से छोटा सॉरी यहाँ पे पच्चीस यहाँ पे पच्चीस छोटा पंद्रह और पंद्रह छोटा पाँच तो इस तरह हम हमें पे छोटा और बड़ा की समझ को बड़ी ही सरलता से समझ सकते हैं वीडियो अगर स्पीड में लग रही तो वीडियो को रोक कर आप इन अभ्यास को अपनी अभ्यास पुस्तिका पे लिख सकते हैं गणित विषय की हम अभ्यास पुस्तिका पे कार्य कर रहे हैं अन्य विषय की भी अगर आपको अभ्यास की आवश्यकता हो होगी हिंदी अंग्रेजी गणित के तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कक्षा तीसरी से कक्षा छठी कक्षा पाँचवीं और कक्षा छः से कक्षा आठ तक समस्त पाठों अभ्यासों की प्ले मिल जाएगी अभ्यास पुस्तिका पे कार्य संबंधी अब हम देखते हैं बच्चों आओ करें और सीखे के अंतर्गत तैंतीस नंबर के अभ्यास पे कार्य करते हैं पहले बोलो बाद में खेलें पहले की बात की और बीच की संख्या हमें बताना है तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कम करके लिखिए तो पैंता यहाँ पे लिखा है सैंतालीस सैंतालीस से दो कम हमने किया तो पैंतालीस पचास से दो, दो कम किया तो अड़तालीस बाईस से दो कम किया तो बीस अड़तीस से दो कम किया छत्तीस और उन्नीस से दो कम किया तो सत्रह अब हम देखते हैं बच्चों चार से एक कम करना चार से तीन कम किए तो एक हो गया फिर सात से तीन कम किए तो चार फिर तेईस से तीन कम किए तो बीस पचास से तीन कम किए तो सैंतालीस और यहाँ पंद्रह से तीन कम किए तो बारह प्राप्त हो गए अब देखते हैं बच्चों दी गई अभ्यास दी गई संख्या से पहले की बीच की और बाद की संख्या में बताना है तो चार के पहले तीन आता है सोलह के पहले पंद्रह बारह के पहले ग्यारह ग्यारह के पहले दस तेरह के पहले बारह और दस के पहले नौ अब हमें दो और चार के बीच की संख्या बताना है तो तीन हो जाएगी आठ और दस के बीच की संख्या नौ तेरह और पंद्रह के बीच की संख्या चौदह शून्य और दो के बीच की संख्या एक अठारह और बीस के बीच की संख्या उन्नीस सत्रह और उन्नीस के बीच की संख्या अठारह सात के बाद की संख्या आठ अठारह के बाद की संख्या उन्नीस आठ के बाद की संख्या नौ बारह के बाद की संख्या तेरह सत्रह के बाद की संख्या अठारह और उन्नीस के बाद की संख्या बीस प्राप्त हो जाएगी तो हमने यहाँ पे पहले की संख्या बीच की संख्या और बाद की संख्या पे विकार कर चुके हैं अब हम चलते हैं अभ्यास नंबर चौंतीस पे पहले बोलो बाद में खेलो बाक्स में उचित संख्या को लिखिए बीच की संख्या पहले की और बाद की संख्या को हमें यहाँ पे लिखना है तो आठ और दस के बीच की संख्या ना हो जाएगी सत्रह और उन्नीस के बीच की संख्या अठारह पचास के बीच की पहले की संख्या उनचास सौ और एक सौ दो के बीच की संख्या एक सौ एक नवासी और इनानवे के बीच की संख्या नब्बे आठ के पहले की संख्या सात पचपन और सन्तावन के बीच की संख्या छप्पन अंठानवे और सौ के बीच की संख्या निन्यानवे पंद्रह के बाद की संख्या सोलह बत्तीस और चौंतीस के बीच की संख्या तैंतीस पैंतालीस के बाद की संख्या छियालीस नन्यानवे और एक सौ एक के बीच की संख्या सौ सौ के पहले की संख्या निन्यानवे उनतीस और इकतीस के बीच की संख्या तीस इकसठ के बाद की संख्या बासठ और तीन के पहले की संख्या दो प्राप्त हो जाएगी बड़ी ही आसानी से बच्चे इस गतिविधि को कर लेंगे आशा है हमें ऐसी पहली बार वीडियो को देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पेश करना ना भूलें हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए मेरा नमस्कार